बहुत कष्ट हो रहा है कि पूरे दिन काम करने के बाद किसान पूरी रात अपने खेत को रखा रहा है, अपनी फसल को रखा रहा है। इन आवारा पशुओं के लिए कोई प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जो घोर निंदनीय है। और कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशान है, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान की बात की अनदेखी की जा रही है। किसान जो लगभग एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर तीन कृषि काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन को दबाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। कोई भी सरकार केंद्र में रही हो या उत्तर प्रदेश में रही हो, आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार प्राप्त है, और उसकी बात को सुनना सरकार का नैतिक दायित्व है। हमने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जो जो आंदोलन करने वाले की बात ना सुने, जो आंदोलन करने वालों को न्याय ना दिलाए। हम देख रहे हैं कि एक साल से किसान परेशान है, आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री उनकी अनदेखी कर रहे हैं? किसानों की आवाज को दबाए जाने का कार्य क्यों किया जा रहा है? मुझे कष्ट है कि हजारों किसानों ने उसमें उस आंदोलन के दौरान अपने शहीद हुए हैं, उनकी जान गई है। कहीं ना कहीं हमें और आपको समझना होगा, क्योंकि चुनाव में 3 से 4 महीने शेष है। एक बार पुनः उस गलती को मत दोहरा दीजिए जो अभी 5 साल 4 साल 4.5 साल पहले हुई है। इस उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार लाने की बात करिए, जो किसान की बात को सुने, जो व्यापारी की बात को सुने, जो महिलाओं को सुरक्षित रख सके। ऐसी सरकार लाने की बात कर दीजिए, वो सरकार एक बार फिर न ला दीजिए कि हमें एक मुसलमान भाई के साथ बात करने में दिक्कत हो, हमें एक दलित भाई के साथ बात करने में दिक्कत हो। एक ऐसी सरकार, कांग्रेस की सरकार ला दीजिए जो पहले यहाँ 30-32 साल पहले थी, कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करते थे, हम आपस में एक दूसरे के घर पहुंचते थे। आज हम इतना अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, आज हम इतना परेशान हैं कि हम अगर ये कह दें कि साहब कल हमें अपने खाने की व्यवस्था करनी है, तो आम आदमी, गरीब आदमी को ये सोचना पड़ जाता है कि हम क्या करें। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। इस सरकार ने कहीं भी किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। कोरोना काल में जो रोजगार, जो लोग यहाँ से हो, अलीगढ़ कटका हो, चाहे राजेपुर हो, चाहे अमृतपुर हो, जो लोग गुजरात में थे, जो लोग महाराष्ट्र में थे, जो लोग राजस्थान में थे, वो वहां से अपने घर आए और अपनी जान किसी तरीके से बचाई है। कहीं ना कहीं इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग आ गए घर पे, जिनका रोजगार छिन गया, उनको पुनः रोजगार दिलाने का काम सरकार ने नहीं किया है। आज वो भी लोग अपने आप को बेरोजगार समझ रहे हैं। हमें देखना होगा, और हमें एक बात और समझनी होगी कि हमें इस निर्दयी सरकार से हिसाब लेना होगा। हिसाब किस बात का लेना होगा? हमें इस निर्दयी सरकार से 2022 में वोट डाल के, कांग्रेस के लिए वोट डाल के ये हिसाब लेना होगा। उन 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 माताओं के आंसुओं का हिसाब लेना होगा जिनके बच्चे की मौत कोरोना काल में हुई है। उन पत्नियों के आंसू का हिसाब लेना होगा जिनके पति इस कोरोना काल में मरे हैं। उस लड़के के आंसुओं का हिसाब लेना होगा जिनके माँ बाप इस कोरोना काल में मरे हैं। इस निर्दयी सरकार ने कोरोना काल में जो अत्याचार लोगों के ऊपर किए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई, और उसके बाद कहते हैं कि साहब ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। हमने देखा है, 12 अप्रैल को हम भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, घर में 7 लोग हुए थे। उसके बाद हम जिला पंचायत के चुनाव में नहीं आ पाए। हमारे लयिक भैया और हमारी टीम ने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। कहीं ना कहीं हम इस दर्द का एहसास आम आदमी को कराना चाहते हैं।